क्योंकि SSC MTS के रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि SSC MTS का रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो उन सभी छात्रों को लेके मैं एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको MTS के रिजल्ट और प्लस में जो इसकी ऑफिशियल कट ऑफ रहने वाली है, कितने पे आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा सेकेंड फेज के लिए, उसको लेके मैं पूरी अपडेट देने वाला हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि SSC MTS की कट ऑफ कितनी रहने वाली है कैटेगरी वाइज, कि कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड फेज़ में, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो SSC की तरफ से नोटिस जारी हुआ था MTS की पोस्टों पे, जो उसमें जनरल के लिए कट ऑफ रखी गई थी, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे वो 40% के आसपास रखे गए थे। अगर आपके 40 नंबर आते हैं जनरल कैटेगरी के आप हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, सेकंड स्टेज में आपको कंफर्म जगह मिल जाएगी। वहीं बात करें OBC कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है 35 से 40 रहने वाली है। वहीं बात करें आपकी SC ST कैंडिडेट जो है, जो कि बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी से, तो उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 30 से 35 रहने वाली है। ये आपकी कंफर्म कट ऑफ है। अगर आपने इतना स्कोर करा है तो आप पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। अब बात करें रिजल्ट को लेके, रिजल्ट आपको देखने के लिए कब तक मिल जाएगा, तो मैं रिजल्ट को लेके बता दूं कि सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट कंफर्मली आपको ऑफिशियल साइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ, सितंबर लास्ट तक आपको रिजल्ट आपको ऑफिशियल साइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। अगर ये अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना।